एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं गाइस। तो आपने देखा होगा कि आप पेडिक्योर कराने के लिए पार्लर जाते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, 2,000-3,000। तो आपको ये सब करने की बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है गाइस। आप घर पे बिल्कुल 0 रुपीज में आप आराम से पेडिक्योर कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी इफेक्टिव और काफी अच्छा आएगा गाइस, आप जरूर देखना। तो आप पेडिक्योर कराने के लिए पार्लर जाते हैं गाइस और अपने टाइम के साथ साथ अपने पैसे भी खर्च करते हैं। तो ये सब करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, मैं जिस तरीके से बताऊंगी इस तरीके से अगर आप करेंगे फॉलो, तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा और गाइस, और आप आराम से पेडिक्योर घर पर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक्स कमेंट शेयर जरूर करें गाइस, और सब्सक्राइब बटन के बगल पर एक बेल आइकन होगा उससे भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का वीडियो कैसा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बकेट पे गर्म पानी ले लें, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिया हुआ है। उसके बाद आप 2 स्पून सॉल्ट ले लें और उस गर्म पानी पे डाल लें। उसके बाद आप बेकिंग सोडा 2 स्पून डाल लें उसी पे ही, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ है। इसके बाद आप कोई सा भी शैम्पू ले लें जो भी आपके पास हो, उसे आप 2 स्पून के करीब ले लें और फिर अपने हाथों से अच्छे से उसे मिला लें। देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ है। उसके बाद आप अपने फीट को उस पानी पे डाल के रखें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक गाइस आपको ऐसे ही रखना है, देख सकते हो। उसके बाद आप निकाल इस पानी को गाइस, फेंके ना, आगे भी ये यूज़ होंगे, काम आएंगे आपके। उसके बाद आप एक लूफा के मदद से अपने फिट को अच्छे से क्लीन कर ले, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ है। इस तरीके से करेंगे गाइस तो आपके जितने भी डेड स्किन गंदगी है आपके फिट पे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। सारे एरिया पे कर ले, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ है। उसके बाद आप एक बॉल पे सॉल्ट ले ले 2 चम्मच के करीब। उसके बाद आप बेकिंग पाउडर ले ले 1 छोटी स्पून से। नेक्स्ट मैं लूँगी नींबू की रस, देख सकते हैं कैसे एक्टिवेट हो रहा है। नींबू डालने के बाद 2 चम्मच आप ले ले। उसके बाद आप उसको अपने फीट पे अच्छे से स्क्रब कर ले, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ। इसी तरीके से गाइस आपको भी करना है, अच्छे से आप अपने फीट को स्क्रब कर ले। तो इस तरीके से अपने हैंड के हेल्प से आप अपने फीट को अच्छे से स्क्रब कर ले गाइस, आगे भी पीछे भी, और अपने हील एरिया पे तो स्पेशली आप अच्छे से करें क्योंकि उस पर आपके ज़्यादा डर्ट जमे होते हैं, उसके कारण आपको क्रैक होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरीके से आप स्क्रब करके और वो जो पहले वाले आप पानी रखे थे वार्म वाटर उस पर आप डालकर अपने फीट को अच्छे से क्लीन कर ले अपने हाथों के हेल्प से। देख सकते हैं कितना ब्राइटन लग रहा है पहले से गाइस, काफ़ी लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग लग रहा है। आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है, काफ़ी डिफरेंट आया है गाइस इसी मैटर से। देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है मेरा फीट। आप आराम से घर पे कर सकते हैं गाइस बिल्कुल 0 खर्चे में। उसके बाद आप अपने फीट को अच्छे से पैड ड्राई कर ले। नेक्स्ट मैं ली हूँ बेसन 2 स्पून। उसके बाद मैंने उस पर हल्दी मिला लिया है थोड़ा सा, और इसे मैं रोज़ वाटर के हेल्प से अच्छे से मिला ली हूँ। तो उसके बाद ये पैक को आप अपने फीट पे अच्छे से अप्लाई कर ले, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी करना है गाइस, अपने सारे एरिया पे अपने फिट के फिंगर पे और अच्छे तरीके से पीछे साइड हील पे भी आप अच्छे से लगा ले। ये पैक काफ़ी इफ़ेक्टिव है गाइस, आपको पता है बेसन कितना ब्राइटनिंग करने पे हमारे स्किन को काफ़ी हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप इसे 10 मिनट छोड़कर और उसी पानी पे आप अपने फिट को अच्छे से क्लीन कर ले, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से क्या हुआ है। तो देखा आपने मैंने कहा था ना ये पानी आगे चलकर बहुत काम आने वाले। तो उसके बाद आप अपने फीट को अच्छे से पैड ड्राई करके अपने नील्स को शेप दे दें
और नेल्स के जितने भी गंदगी है उसे आप साफ़ कर ले शार्पनर के मदद से। देख सकते हैं कितना डर्ट निकल रहा है गाइस, कितनी गंदगी निकल रही है। तो ये क्लीन हो चुका है, अब मैं नेल पेंट लगा लूँगी। देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है मेरा फीट। इस तरीके से आप गाइस घर पे आराम से पेडिक्योर कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में। गाइस आपको घर के सामानों से आपके हो सकते हैं, पार्लर जाकर आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है गाइस। देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है गाइस। देख सकते हैं कितना ब्राइटनिंग लाइटनिंग लग रहा है, तो काफ़ी पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें गाइस। तो देखा मैंने कहा था ना आपसे, बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में आप आराम से घर पे पेडिक्योर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया गाइस उसी तरीके से ज़रूर करें, आपको रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो गाइस। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।